अभी हम इस वीडियो में मोटर चक्कर क्या है वो समझेंगे। अभी मोटर चक्कर का क्या यूज है, इससे आप रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इंसुलेशन मेजर कर सकते हो। मेनली इंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस होता है वो मेजर करने के लिए यूज होता है मोटर चक्कर। अभी ये नाम ही इंडिकेट करता है मोटर चक्कर, मतलब कि ये मोटर का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस यूज करने के लिए यूज होता है। अगर आप उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करोगे, अगर जीरो आएगा तो वो अर्थ है, और अगर बिटवीन ओपन आ रहा है, ओके, जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट आ रहा है, तो पता चल जाएगा कि वो बिटवीन ओपन है या नहीं है। लेकिन अगर उसके इंटरटर्न फोल्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं वो जानना है। एक ही वाइंडिंग के जो इंटरनल टर्न्स है वो कई बार क्या होता है, शोर हो जाते हैं, तो वो जानने के लिए स्पेशली हम मोटर चेकर का यूज करते हैं। वो हमें पता चलता है उसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मेजर करने से। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग रेंज दी हुई है। यहाँ पे एक मेजर का बटन है एम, ओके, फिर ऊपर दो प्रोब दिए हुए, ओके, और फिर नीचे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। ये सिलेक्टर स्विच है, इंडक्टेंस मेजर करना है तो आप इंडक्टेंस पे रखिए, और ये है वो अलग अलग रेंज है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अभी ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी रजिस्टर और इंडक्टेंस की वैल्यू कौन सी है उसके हिसाब से इसका सिलेक्शन हम रखते हैं। अभी ये आपको दिख रहा होगा कि अगर आप 1 नंबर की पोजिशन पे रखोगे तो 200 ओम जितना उसका फुल स्केल रीडिंग होगा, और इंडक्टेंस कितना मेजर करेगा, 2000 मिली हेनरी। अगर 2 पे रखोगे तो 20, और 200, 3 पे इतना है, 4 पे इतना है। अभी हमें मेजर कैसे करना है, इसके दो प्रोब है बराबर, ये दो प्रोब आप जिस वाइंडिंग समझ लो पर्टिकुलर आर वाइंडिंग है उसके दो टर्मिनल है उस पे ये आपको ये दो टर्मिनल रखना है, ओके। फिर बाद में आपको क्या करना है, ये जो अभी आपको समझ लो इंडक्टेंस मेजर करना है तो आप इंडक्टेंस पे रखिए, और ये जो रेंज है समझ लो 4 नंबर पे रखिए स्टार्टिंग में, और ये एम बटन है मेजरमेंट का, उसको प्रेस कीजिए। जब आप प्रेस करोगे तब यहाँ पे डिस्प्ले में समझ लो 1 आ रहा है, तो इसकी रेंज से बाहर है, तो आपको 3 पे रखना है। फिर बाद में सिलेक्शन, फिर भी समझ लो 1 आ रहा है तो वो रेंज छोटी पड़ रही है, फिर 2 नंबर पे रखिए। वैसे बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हर एक रेंज पे रख के आपको कोई एक रीडिंग मिलेगा, वो आपका फाइनल रीडिंग होगा। अगर आपको उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पता है तो हर एक रेंज में सिलेक्शन स्विच रख के आप ऐसे कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये दो टर्मिनल है, इसके जो दो प्रोब है वो जो पर्टिकुलर वायरिंग होगी आर फेज, वाई फेज या बी फेज, उसके दो टर्मिनल पे रख के ये यहाँ पे इंडक्टेंस पे रखना है। अगर इंडक्टेंस मेजर करना चाहते हो, रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो रेजिस्टेंस पे, और ये रेंज पे 4 पे रखना है, और फिर ये एम बटन प्रेस करना है, ओके। अभी समझ लो आपको ए और सी में आप रखिए, तो ये एक वाइंडिंग होगा समझ लो, ये आर फेज का वाइंडिंग है, फिर ये वाई फेज हो, ये बी फेज है, तो सी और बी में रखो, फिर बी और ए में रखो, ओके। तो ऐसे आप उसका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। अगर मैं अभी कितना आना चाहिए रजिस्टर और इंडक्टेंस कितना आना चाहिए, अभी वो आपको जो पर्टिकुलर मोटर की जो मैनुअल होगी उसमें लिखा होगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो एक सिंपल मैं आपको आइडिया देता हूँ, रजिस्टर्स इंडक्टेंस तीनों वाइंडिंग का बैलेंस आना चाहिए। अगर बैलेंस आ रहा है ठीक है, समझ लो एक वाइंडिंग का 30 मिली हेनरी आ रहा है इंडक्टेंस, दूसरा का 27-28 आ रहा है, और तीसरा का समझ लो 27-28 आ रहा है, तो 2 मिली हेनरी का डिफरेंस है, तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। मतलब कि बैलेंस आना चाहिए, एक का 30 आ रहा है मिली हेनरी, दूसरा का 10 आ रहा है, तीसरा का 50 आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अभी मैं अकेला होता हूं तो ये आपको मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता, ओके। बाकी सिंपल ही है, मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, ओके, और कैसे मेजर करना है वो बता दिया है, और जनरल आइडिया भी मैंने आपको बता दिया है। इसका काम क्या है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस मेजर करना। क्यों करते हैं, क्यों, अगर इंटरटर्न फोल्ड है कोई एक फेस
का दो टर्मिनल, एक कोई भी एक फेज उसके दो टर्न्स आपस में शॉर्ट हो गए, तो वो हम इससे पता चलता है मोटर चेकर से। तो आई होप कि आपको ब्रीफ आइडिया आ गया होगा कि मोटर चेकर क्या है। इससे आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, लेकिन जनरली हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस से मेजर नहीं करते, हम मेकर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। थैंक यू।